आज का हमारा जो सेशन है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है, और आज के सेशन के साथ मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल का जो इवेंट हुआ था हमारा, उसमें जिस तरह लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपनी राय दी, तो आज एक्सपेक्टेशन हाई है। और आज वुमेन एम्पावरमेंट पर जब सेशन है तो हमारे पास गेस्ट भी ऐसे इस तरह के हमारे साथ आज मौजूद होंगे, वो उनमें वाकई जो काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, जो फाउंडेशन लीड कर रही हैं, और इसके अलावा कुछ और भी हमारे गेस्ट हैं, तो मतलब एक बेहतरीन माहौल बनने वाला है जब कम्युनिटी के सामने इस तरह के लोग आएंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और लोग इंस्पायर होते हैं जब एक चीज़ देखते हैं कि भाई अगर ये शख्स कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो एक हौसला भी मिलता है इंसान को। तो एक्सपेक्टेशन फुल हाई है, आज हमारा फोर्थ इवेंट है, फोर्थ सेशन है, तो उम्मीद है कि जिस तरह कल का एक बेहतरीन सेटअप गुजरा, बेहतरीन जो हमारा इवेंट था वो गुजरा, तो उम्मीद है कि आज का सेशन उससे भी ज़्यादा मज़ीद अच्छा हो। और बड़ी बात यह है कि आज जब मैं सुबह उठा और इलाके में ये बातें सुनी मैंने, लोग जानवरों के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा कल का जो इवेंट था वो एनिमल राइट्स पर था, तो मैं सुबह उठा के देखा कि लोग एनिमल राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं कि कल का इवेंट हमने ज्वाइन किया था, वहाँ कह रहे थे कि जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, वो भी दिल रखते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि चीज़ें हमेशा डायरेक्ट असर नहीं करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका इम्प्लीमेंट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये होता है ना कि इंसान ने कहीं से कोई बात सुनी, तो ये नहीं होता कि हम सोचते हैं कि वो शायद एक कान से सुने दूसरे कान से निकल जाए, ये नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ जब वो काम कर रहा होता है तो उसको वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि उसने कभी ना कभी वो चीज़ सुनी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जब लोग हम जो चीज़ डिलीवर करना चाह रहे हैं लोग उसको समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और आज जुम्मा भी है, तो जुम्मे के बाद मेरा जो तकरीबन टाइम होगा वो स्कूल में ही होगा, अब तो मैं शॉप पे हूँ, तो मुलाकात होती है हमारी जल्दी। स्कूल पहुँच चुका हूँ, अभी तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, और आज का इवेंट हो सकता है 3 बजे स्टार्ट हो, लेकिन डिपेंड ऑडियंस पे करता है और जो गेस्ट आने वाले हैं उन पे डिपेंड करता है। तो अभी तैयारी कुछ भी नहीं हुई, कुर्सियाँ लगानी हैं और जो फॉर्मल हमारे काम हैं वो दोबारा करने, इसके बाद इवेंट स्टार्ट होगा। घर से सोच के निकला था कि मोबाइल स्कूल में चार्ज पर लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पहुंचा तो लाइट ही चली गई। आज तकरीबन कल से बेहतर है, आज तकरीबन 50 से ऊपर परसेंटेज है, तो उम्मीद है कि आज का इवेंट इजीली कवर हो जाएगा, उसके बाद जब इवेंट ख़त्म होगा तब लाइट भी आ जाएगी, तब चार्ज भी कर लूँगा सिंपल। वैसे कराची में तो शदीद गर्मी वाला सीन स्टार्ट हो गया है, आज जब मैं सुबह दुकान पे पहुँचा तब भी बहुत बहुत पसीने से मैं भर गया था। तो यहाँ एक सहूलत अच्छी बहुत है कि यहाँ पे हवा का कनेक्शन डायरेक्टली आता है, और जब भी मैं इवेंट से फ्री होता हूँ या अंदर गर्मी होती तो हम अक्सर बाहर आके यहाँ बैठते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। कराची में लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाते हुए आप लोगों में से किसी ने देखा है? देखा, ये मेरे ही दिमाग का झंडा है। मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ पिंक लाइनर्स का, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ औरत पहुँची और मर्द नहीं पहुँच पाए, मतलब हम ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि मर्द अच्छा है या औरत अच्छी है। दुनिया में जितने भी इंसान वजूद रखते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो तमाम बराबर भी हैं और अच्छे भी हैं। नाजों के उठाने वाले साकी, रिंदों के झकाने वाले साकी, आबाद तुझी से अंजुमन है, आरायश है महफिलें सुखन है, फिर जिंदा हुए हैं तेरे बेताब, एक और दे जामे बादे नाब, वो जाम जो रश के जामे जम हो,
वो मैं कि ना जिसका नशा कम हो, वो नशा जो दिखाए ने रंग तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग। तो आगाज़े बयां करूँ यहाँ से, रौनक दूँ सुखन को दास्तां से। मेरे लिए बाइक चलाना तो बहुत दूर की बात, मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। मुझे साइकिल पे बैठ के मतलब मैं गिर जाती थी। मुझे नहीं पता था कि साइकिल बैलेंस किस तरह होती है और साइकिल चलती किस तरह। मैं जब साइकिल चलाने की कोशिश करती थी मैं गिर जाती थी। और आज मैं अपनी जॉब के लिए बाइक पर जाती हूँ और बाइक पर आती हूँ। तो फाइनली आज का इवेंट शाम को पहुंचा। आज के इवेंट में पिंक राइडर की तरफ से जिनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने शिरकत की और उनकी तरफ से उनकी राइडर ने भी ज्वाइन किया इवेंट। आज का इवेंट बहुत शानदार रहा, बहुत ज़्यादा पब्लिक ने भी पार्टिसिपेट किया। तकरीबन हमारी ऑडियंस में 60 लोग थे जो कि हमारा टारगेट 20 है, तो उससे 2 गुना ज़्यादा। बहुत बहुत अच्छी बातें भी हुई और इसमें एक स्टोरी टेलिंग का भी हमने सेक्शन रखा था और वो भी किया। बहुत अच्छा गुजरा आज का भी। तकरीबन आज हमारे हो गए 4 इवेंट, यानी अब 2 बाकी मजीद हैं। तो मुलाकात होगी हमारी कल के व्लॉग में।